कि आन बान शान और स्वाभिमान की मशाल क्रांति चेतना की अंगड़ाई को नमन है। काल के कराल भाल जिससे तिलक किया उस पुण्य लहू की ललाई को नमन है। तो झांसी राजवंश की कमाई को नमन कि झांसी राजवंश की कमाई को नमन और अमर स्वरों की शहनाई को नमन है। और चिड़िया की बाज से लड़ाई को नमन रानी लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई को नमन है जी। लक्ष्मीबाई शौर्य तरुणाई। ज्यादा समय और नहीं लेंगे, अध्यक्ष जी अपना अध्यक्षीय कविता पाठ और उद्बोधन करेंगे, उसके बीच में अच्छा मुझे भी सुनना चाहते हैं आप क्या? नहीं चलिएगा, बहुत अच्छा, बहुत मन के साथ सुनने वाले अच्छे श्रोता हैं, तो मैं कुछ सुना देता हूँ। अभी हमारे अनुज भाई बोल रहे थे कि कुछ एक रचना विशेष है, इससे इतर हटके कुछ सुनाना चाहता हूँ मैं। एक गीत जो शुरू में मैंने आरंभ किया था लेकिन मैंने सोचा इसे समापन पर पढ़ूंगा। मैं कुछ अलग तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये बनारस में आपको याद होगा पिछले वर्ष एक कार्यक्रम हुआ, प्रवासी सम्मेलन, उसके साक्षी बने आप। और प्रवासी सम्मेलन जब हुआ तो पूरे विश्व के 7,000 से ज्यादा NRI इंडियन डायस्पोरा के लोग, प्रवासी भारतीय भारतवंशी यहाँ पर आए। और वहां पर रहने वाले जो विदेशों में रहते हैं उनके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता है। उस धड़कन को मैंने शब्द दिए, स्वर दिया, वो आपके मन तक पहुंचाना चाहता हूं। मुझे याद आ गया तो याद दिलाया मेरे भाई ने, तो उस गीत के एक दो अंतरे सुनाता हूं। भले हो दूरियां कितनी मगर मन पास रहता है, कभी यादें वतन में कोई जज्बा खास रहता है। और समंदर पार भी माँ की दुआएं साथ रहती हैं, प्रवासी हर हृदय में हिंद का एहसास रहता है। प्रवासी, देखिए ऊर्जा पूरी दीजिएगा। मैं जानता हूं कि कविता जी की कविता सुन के आपके, भैया ये बैठ जाओ मेरे दोस्त मेरे भाई, हाँ थोड़ी देर बैठ जाइए, क्या करेंगे आप जाके अभी? अच्छा कोई बात नहीं, तो विशेष जाना है। देखो शहीदों के परिजन है। अच्छा अच्छा, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे पता नहीं चला था कि अभी तक वहां बैठे हुए थे, उनका सबका अभिनंदन है, वंदन है। शहीद परिवारों के लोग या मदर फादर यहाँ पर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ आकर हमको गौरवान्वित किया है। शहीदों का कोई क्या सम्मान करेगा, आपका कोई क्या सम्मान करेगा, आपने निश्चित रूप से हमारे इस मंच की गरिमा बढ़ाई है। इस लोकतंत्र के शिखर का जो सिंगार है, जिन तीन रंगों, मैंने कहा कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, कि जनगण मन के अमर स्वरों का गान तिरंगा है, भारत के स्वर्णिम सपनों की शान तिरंगा है। और बलिदानी झोंक पवनों के झोंकों से जो लहराया, बलिदानी पवनों के झोंकों से जो लहराया, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है, भारत माँ का गौरव और सम्मान तिरंगा है। तो एक गीत पढ़ता हूँ, गीत के दो तीन अंतरे पढ़ता हूँ और आपका मन चाहता हूँ। अरे वाह 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 वाह, जोरदार तालियां, धन्यवाद। हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे जी, बिल्कुल, जैसे जैसे आप कहेंगे वैसा वैसा ही पढ़ूंगा मैं। नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मन है कुछ सुनने का, चलिएगा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी तो मुझे पता चला कि यहाँ पर मेरे भी श्रोता हैं कुछ, तो गीत पढ़ता हूँ मैं। गीत के साथ मैं आपकी तालियां, हाथ और आपके स्वर को खोलना चाहता हूँ, अपने साथ मिलाना चाहता हूँ। एक गीत का एक दो अंतरे सुनिएगा। परिंदे भूलकर भी कब गगन को भूल पाते हैं, परिंदे भूलकर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। और भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रहकर कब वतन को भूल पाते हैं। तो वो वतन की इबादत, वतन की प्रार्थना जो है, उनके दिलों में जो सुगंध रहती है, उसको मैंने स्वर दिया और आपका भी स्वर चाहता हूँ।
सुनिएगा शशिकांत कि भारत के परिंदों की, कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की सभी आने चाहिए हाथ, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है, तन भले प्रवासी हो जाए, तन भले प्रवासी हो जाए, मन तो भारत की थाती है, ना मन में हो खुशियां लाखों अपनों की याद सताती है, बचपन की मधुर यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, और पंक्तियां देखिएगा, भारत माँ की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया, वे बने प्रवासी रहे जहाँ, हम बने प्रवासी रहे जहाँ, उस कर्म भूमि को मान दिया, सारी वसुधा है घर अपना सबसे पहले ये ज्ञान दिया, शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिन मान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, दो तीन छंद पढ़ता हूं मैं, क्योंकि ये कार्यक्रम जो है शहीदों को समर्पित है, तिरंगा सैल्यूट तिरंगा 2021, मुझे लगता है कार्यक्रम भी ऐतिहासिक हो गया है, 80 घाट का ये प्रांगण, जैसे मैंने आरंभ में कहा कि शक्ति और भक्ति की धाराएं जी, डॉक्टर साहब ये आप भी जानते हैं कि पूरे विश्व में शक्ति का सिद्धांत काम करता है आदिकाल से, एक न्यूक्लियस के चारों ओर अणु, मतलब अणु में परमाणु में न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, प्रोटॉन में ताकत होती है, तो सूर्य के चारों ओर ग्रह तारा नक्षत्र चक्र लगा रहे हैं, ऐसे ही पृथ्वी पर भी शक्ति का सिद्धांत काम करता है, हजारों सालों तक प्रताड़ित होता रहा भारत, प्रताड़ना सहता रहा, लेकिन शक्ति का संधान किया, कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान साधना की जिनका ये मिला वरदान है, कितने दधीचियों ने अस्थियों का दिया दान, एक दिन में नहीं हुआ, 95 वर्ष की तो यही साधना है, उसके अलावा पीछे जाएंगे 500-600 वर्ष से लगातार चलता रहा, संघर्ष चलता रहा और भी हजारों सालों से चलता रहा, बलिदानी परंपराओं ने कभी भी समझौता नहीं किया स्वाभिमान के साथ में, देशभक्ति के साथ में, और उसी कारण आज हम ये स्वाभिमान दिवस मना रहे हैं, शहीदी दिवस केवल शहीदी दिवस नहीं है, स्वाभिमान का भी दिवस है, बलिदानी परंपराओं का दिवस है, इसलिए अभिनंदनीय है आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित है। तो मैंने बहुत कुछ लिखा, तो मैंने उसमें दो तीन छंद पढ़ता हूं, और उसमें जैसे मैंने कहा कि शक्ति का सिद्धांत काम करता है, और ये गंगा का पावन तट
है, माँ गंगा का पावन तट है, हजारों सालों से नगरी है, हजारों सालों तक ये चलता रहेगा। हम भी इस कालखंड में अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, लेकिन ये ऐसे ही कारवां आगे चलता रहे। दो तीन छंद पढ़ना चाहता हूँ शक्ति के उन रणबांकुरों को, या जिन्होंने धर्म संस्कृति सभ्यता के बचाने के लिए, संरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया। उसमें दो तीन नाम आते हैं। एक अभी नाम लिया गया था भगत सिंह को, गुरुओं की बलिदानी परंपरा से जोड़ा था, तो मैं एक छंद देना चाहता हूँ। स्वागत है कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। कि पंच प्यारे और बंदा बैरागी की शहादत गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को नमन है। और कंधार की रणभूमि में जो देश हित लड़े नौजवान बेटों की जवानी को नमन है। तो सर हिंद की दीवारों में जो जिंदा चले गए उन शूर पुत्रों की निशानी को नमन है। और एक को लड़ाऊ सवा लाख से तो उद्घोष गुरु जी की पावन कहानी को नमन है। जी गोविंद की पावन कहानी को नमन है। कि नारियों को जननी के जैसा मान देने, एक और मराठा सरदार को याद करता हूँ इस पावन मन से। उन ये जो शहीदों की बलिदानी परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग आज हैं, उस बलिदानी परंपरा को पीछे ले जाना चाहता हूँ कुछ सौ वर्षों पूर्व। कि नारियों को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। कि गौहर को जननी के जैसा मान देने वाले जीजाबाई वाले संस्कार को प्रणाम है। और गुरु रामदास वाली चेतना से का चौंद पंथ निरपेक्ष दरबार को प्रणाम है। तो मुगलों को मिली ललकार को प्रणाम, कि शत्रुओं को मिली ललकार को प्रणाम, और माता भवानी की तलवार को प्रणाम है। कि माता भवानी की तलवार को प्रणाम है, और शूरता के दिव्य पारावार को प्रणाम, मेरा शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है, शिवाजी मराठा सरदार को प्रणाम है। और मेरे भाई अजय राम जी ने जो कुत्ता कि चेतक की टापो संग हल्दी घाट टपा टप टपा टप टपा टप, क्या बात है वाह। कि चेतक की टापो संग हल्दी घाटी में जोड़ी उस धूल से सजे गगन को नमन है। कि चेतक की टापो संग हल्दी घाटी में जोड़ी उस धूल से सजे गगन को नमन है। और धर्म संस्कृति स्वाभिमान हेतु किए गए शूरता के पावन हवन को नमन है। तो हिंदुस्तानियों के हृदयों में जो धधक राजस्थान वाली उस गगन को नमन है। और जिसने हल्दी घाटी से दिल्ली तक को तपाया राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। जी राणा जी प्रताप की तपन को नमन है। और पन्ना धाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। कि पन्ना धाय पद्मिनी और हाड़ा रानी वाले नारियों के पुण्य स्वाभिमान को प्रणाम है। और मातृभूमि के हितार्थ जो दिया गया था भामा शाह वाले उस दिव्य दान को प्रणाम है। तो घास वाली रोटियों को खाके भूमि पर सोए प्रभु एक लिंग के दीवान को प्रणाम है। और शूरता और वीरता पराक्रम के पर आए आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। जी आन बान वाले राजस्थान को प्रणाम है। वर्तमान में चलते हैं 1857 से लेकर 1947 तक का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है। उसमें से कुछ नाम यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन 7.5 लाख से ज्यादा लोगों ने बलिदान दिया था। ये इतिहास का सत्य है, मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी बताते हैं इस बात को। तो उसमें से कुछ नामों को मैंने प्रतीकात्मक रूप से लिया, और वो भी मैं कहना चाहता हूँ। मेरे भाई ने स्वातंत्र वीर सावरकर जी की बात की, तो मैं कुछ यूँ कहना चाहता हूँ। जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। कि जिनके लहू से लाल क्रांति वाला इतिहास जलियांवाला बाग के शिकारों को नमन है। और शांति अहिंसा के हथियारों को नमन, और क्रांति के गगन के सितारों को नमन है। तो आजादी की डोली के कहारों को नमन, और लाला जी के सीने के प्रहारों को नमन है। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। जी दिल्ली चलो वाली ललकारों को नमन है। और हमको लाला देने के लिए जो
हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। घटना घटती है, वो जो प्रसंग बता रहे थे अंडमान निकोबार में सेलर जेल है, आपने जिन्होंने देखा हो अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो जीवन में उस तीर्थ स्थल पर जरूर जाइएगा। मैंने कभी कहा था कि काला पानी दीप नहीं बस हिंदुस्तानी तीर्थ है और आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है, आजादी की गंगा लाने वाला एक भगीरथ है। वहां पर एक मंत्री जी गए थे 2003-04 की बात है और 4-5 की बात है, वहां जाके स्वातंत्र वीर सावरकर का शिलालेख हटाया और गांधी जी का शिलालेख लगा दिया। मैंने कहा था कि पीड़ा यह नहीं है गांधी जी का सम्मान क्यों हो रहा है, पीड़ा केवल इतनी है कि बलिदानियों का अपमान क्यों हो रहा है। मैंने कहा था कि नहीं वेदना गांधी जी का होता क्यों सम्मान यहां, मन तो घायल देख देख बलिदानों का अपमान यहां। और जो आजादी लाए भारत मां के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं, जितने प्यारे बापू हमको सब। अरे बहुत आनंद के साथ, बहुत बढ़िया भाई, कि जो आजादी लाए भारत माँ के राज दुलारे हैं, और जितने प्यारे बापू हमको सावरकर भी प्यारे हैं। कोई कलम नहीं चाहेगी गांधी का अपमान लिखे, सत्य अहिंसा वाली पावन आंधी का अपमान लिखे। और माना बापू शांति अहिंसा की राहों के राही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे, काला पानी वाले भी तो माँ के वीर सिपाही थे। याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को। शांति अहिंसा की बात नहीं है, मैंने पहले ही कहा था कि शांति अहिंसा बुरी नहीं है, लेकिन जब शांति अहिंसा अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, और तब शांति अहिंसा दिखाई जाए तो कायरता कहलाती है। और मैंने कहा था, हमारे कवि बड़े माणिक वर्मा जी ने कहा था, कायरता जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन चेहरों पर बैठने से इनकार करती है। तो मैं कहना चाहता हूं कि याद करो रानी झांसी और भगत सिंह की टोली को, याद करो अल्फ्रेड पार्क में शेखर वाली गोली को, और दिल्ली दूर नहीं है नेताजी वाली उस बोली को। याद करो जी जलियां वाले बाग की खूनी होली को, याद करो जी जलियां वाले बाग की खूनी होली को। अगर चाहते हो चर्चा हो जाने दो इतिहासों पर, आजादी की देवी अब तक खड़ी हुई है लाशों पर, और इतिहासों में मुड़कर देखा साजिश के आभास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले, कायरता को कुर्सी और बलिदानों को वनवास मिले। तब मैंने कुछ यूं कहा कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है, कि हमको उजाला देने के लिए जो बुझे उन दीपकों की पावन कतारों को नमन है। और मातृवंदना के गीत गाते गाते चूम लिए उन फांसी वाले पुण्य हारों को नमन है। तो बलिदानी स्वरों की पुकारों को नमन, और कोल्हुओं से वही तेल धारों को नमन है। और क्रांतिकारियों ने जहां लिखा वंदे मातरम, सेलुलर जेल की दीवार को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों को नमन है जी, काला पानी जेल की दीवारों। बहुत कुछ कहने के लिए हो सकता है, लेकिन मैं एक छोटा सा गीत पढ़ता हूं। और वो गीत क्या है, पिछले दिनों आप जानते हैं कि धारा 370 हटाई गई, और उसके अलावा फिर अभी जो कश्मीर में जो कुछ जिस प्रकार का वातावरण बनना शुरू हुआ है, वो अपने आप में अनुभव का विषय है। जो लोग जाते हैं और बताते हैं कि लोगों में एक शांति और उसके प्रति अब उग्रवाद आतंकवाद दम तोड़ रहा है, और आप जानते हैं जो भी वातावरण है, और उसके लिए मैं चाहता हूं बनारस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपने चुनकर एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को देश को दिया है जिन्होंने कहीं देश की दिशा ही बदल दी है। मैं गीत पढ़ता हूं और कि गद्दारों को धता बताकर, मेरे साथ गा भी सकते हैं जैसा शुरू में आपने देखा, कि गद्दारों को धता बताकर तीन रंग का गान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा, घाटी के चप्पे चप्पे पर लाल खून से जब होती नित हिमशिखरों की माला थी, लाल खून से जब होती नित हिमशिखरों की माला थी, संविधान की आंखों में आंसू सीने में ज्वाला थी, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, अमर तिरंगा चौराहों पर जहां जलाया जाता था, मासूमों को गद्दारी का पाठ पढ़ाया जाता था, मासूमों को
ईमानदारी का पाठ पढ़ाया जाता था, तो घायल झीलों और चिनारों पर मरहम वरदान लिखा घाटी के चप्पे चप्पे पर। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है। और अगली पंक्ति, एक पंक्ति मैं बोलूंगा, दूसरी पंक्ति आप बोलेंगे। अगर आपने राष्ट्रवाद जिया होगा तो निश्चित रूप से आपके दिलों में हिंदुस्तान धड़कता होगा, तो आपके स्वर अपने आप फूट पड़ेंगे कि भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। आवाज नहीं, आवाज ढंग से। भारत जिंदाबाद बोलती नदियों की हर धारा है, जहां हुए बलिदान मुखर्जी। वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है, वो कश्मीर हमारा है जी, वो सारे का सारा है। दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया, दिल्ली के सिंहासन ने जीने का जलवा सिखा दिया। दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा, दुनिया को 56 इंची सीने का जलवा दिखा दिया। तो सदियों से होते आए घाटी में होते आए बलिदानों का सम्मान लिखा घाटी के चप्पे चप्पे पर। घाटी के चप्पे चप्पे पर हमने हिंदुस्तान लिखा। हटा के धारा 370 संविधान का मान लिखा घाटी के चप्पे चप्पे पर। हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा, हमने हिंदुस्तान लिखा। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, एक तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है और उत्तर प्रदेश में भी मैं समझता हूँ जिस प्रकार से हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का एक वातावरण बनाया हुआ है और उन्होंने राष्ट्रवाद की धारा को जिस तरीके से दिशा दी हुई है वो भी अभिनंदनीय है। और आप सौभाग्यशाली हैं कि प्रदेश की संस्कृति को कहीं किनारे बांधने का कार्य जो कर रहे हैं संस्कृति की धारा का, वो आपके अपने यहाँ के माननीय नीलकंठ तिवारी जी मंत्री होते हैं, संस्कृति मंत्री, तो उनका भी अभी आ नहीं पाए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा था कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे शायद, जो बताया गया था, तो कोई बात नहीं है, उन तक हमारा प्रणाम निवेदित हो। और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम को समापन का एक गीत पढ़ के मैं हम स्थगित करेंगे, समाप्त तो नहीं करेंगे वो अभी। हाँ, पहले उनको बुलाना चाहता हूँ मैं, पहले एक गीत मैं भी पढ़ लूँ। अध्यक्ष जी तो अध्यक्ष जी उद्बोधन, मैंने कवियों की श्रृंखला की बात की, अध्यक्ष जी उद्बोधन की बात नहीं की। एक गीत मैं छोटा सा पढ़ना चाहता हूँ, गंगा का किनारा है हम हैं क्या, एक मेरा बहुत प्रचलित सा गीत है और हमारी संस्कृति की धारा का गीत है, वो आपके मन तक पहुंचाता हूं। बहुत सीधा सीधा गीत है, उसमें कोई ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसको सुन ध्यान से लीजिएगा। आत्म गौरव का गीत है कि गंगा की कल कल सीने में, कि गंगा की कल कल सीने में, चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान, तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी, वाणी में कबीरा की साखी, हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान, और कर्मयोग जीवन विधान, दिन पावन रात दिवाली है, माटी की गंध निराली है, माटी की गंध निराली है, जिनका इस माटी से नाता, जिनका भारत माँ से नाता, उनका तन मन नित यह गाता कि रत्ना करने चरण पखारे, सागर जिसके चरण पखारे, दिव्य हिमालय माता है, सारे जग में अजब निराली, भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है, गंगा
गंगा की कल कल सीने में चंदन सी महक पसीने में। और सुनिएगा, जो कहते भारत दीन हीन, जिनके हार्डवेयर हिंदुस्तानी या सॉफ्टवेयर विदेशी लग जाते हैं वो गड़बड़ करते हैं लोग, कि जो कहते भारत दीन हीन कायर कपूतला जाविहीन, उनको इतिहास बताता हूँ गौरव झांकी दिखलाता हूँ, जब जग पर थे तम के साए हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए, जब तत्व ज्ञान को पहचाना। माँ भागीरथी के तट पर खड़े होकर बनारस के प्राचीनतम नगरी विश्व की और बाबा विश्वनाथ की नगरी में खड़े होकर बोलता हूँ कि जब जग पर थे तम के साए हमने प्रकाश के गुण गाए, हमने किरणों के गुण गाए, जब तत्व ज्ञान को पहचाना जग ने भी विश्व गुरु माना, अध्यात्म दिया वे ज्ञान दिया माधव वन गीता ज्ञान दिया, हम अर्थशास्त्र के अन्वेषक ज्योतिषी योग के उद्घोषक, हमने ही शून्य का ज्ञान दिया और दिव्य वेद वरदान दिया, सागर मंथन पुरुषार्थ किया और योग क्षेम चरितार्थ किया, नालंदा हो या तक्षशिला मन को शिक्षा से दिया मिला, ऋषियों मुनियों के अनुगामी मानवता के हम सहगामी, सेवा सत्कार समर्पण है मानवता हित सब अर्पण है, मानवता हित सब अर्पण है। और अंतिम पंक्ति गीत की लीजिएगा, क्योंकि लंबा गीत है, मैं अंतिम पंक्तियां देता हूं और आपको आत्मगौरव की अनुभूति हो तो आपके हाथ खुले कि मानवता हित सब अर्पण है, तो जिसके आंचल में पलने को, जिसके आंचल में पलने को लेता जन्म विधाता है, सारे जग में अजब निराली भारत माँ की गाथा है, अपनी गौरव गाथा है, गंगा की कल कल सीने में चंदन सी महक पसीने में, मन में मुरली की मधुर तान तन पावनता का दिव्य दान, वाणी में कबीरा की साखी हाथों में रामायण राखी, मन में गीता का दिव्य ज्ञान और कर्म योग जीवन विधान और कर्म योग। बहुत आपका आभार। और देखिएगा आप बैठिएगा बैठिएगा, क्योंकि बस आपसे अनुरोध पूर्वक, मैं अनुरोध पूर्वक आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं वो